और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर फायरिंग की। दो आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल भी हुआ है। दो आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर फायरिंग की। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजय, क्या कुछ जानकारी है घुसपैठ से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल, नौशेरा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और आज दोपहर यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो नौशेरा सेक्टर जोरी का पड़ता है वहां पर भारतीय सेना के जवानों ने कुछ हरकत देखी। तुरंत जवानों ने जो है वो पूरे इलाके में अलर्ट किया और उसके बाद जो है तुरंत जो है वो कार्रवाई शुरू की। दो से तीन आतंकियों का एक दल जो है वो घुसपैठ करके इस ओर आने की फिराक में था, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की जिसके बाद इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। मगर इस सारी कार्रवाई में सेना के एक जवान जो है जेसीओ जो है उनके जख्मी होने की खबर है। पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और जो इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अगर कोई घुसपैठ हुई है या फिर कोई आतंकी अगर पार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके को या तारबंदी को पार करने में कामयाब हुआ है तो उसको भी तलाशा जा सके। अगर आप देखें तो पिछले लगभग एक सप्ताह में ये दूसरी घुसपैठ की कोशिश नौशेरा से की गई है। इससे पहले दो आतंकियों को कुछ दिन पहले ही मार गिराया गया था और आज एक बार फिर से यहाँ पर आतंकियों ने जो प्रयास किया है उसे विफल कर दिया है। और अजय, जिस तरह से चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे लगातार किस तरह से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके इसको लेकर पाकिस्तान लगातार प्लानिंग कर रहा है और शायद इसी वजह से ये घुसपैठ हो रही है, लेकिन लगातार सेना हर घुसपैठ पर नजर बनाए हुए है। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डालने के प्रयास जारी है। हमने देखा कि तीन दिनों में तीन मुठभेड़ें जो है वो हुई हैं जिसमें पहली उधमपुर और कठुआ के बीच का जो इलाका पड़ता है बसंतगढ़ का, वहां पर दो आतंकियों को मारा गया था। किश्तवाड़ में बीती रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में दो सेना के जवान जो है वो शहीद हुए। बारामूला में तीन आतंकियों को मार गिराया गया और बकलाहट पाकिस्तान की कम नहीं हुई और सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास किए गए हैं। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने को लेकर पाकिस्तान आमादा है और कोशिश पाकिस्तान की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आतंकियों को यहाँ भेजा जा सके ताकि जम्मू कश्मीर में शांति का दौर जो दौर चल रहा है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाए और चुनावों में वोटिंग परसेंटेज जो पार्लियामेंट की तरह बंपर वोटिंग हुई थी उस तरह की वोटिंग ना हो पाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।